नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है रिपोर्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एक न्यूज रिपोर्टर के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते तो उसकी रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे अपने समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार चैनल जिसकी तरफ से भी आप गए। तो एक मीडिया के विद्यार्थी के लिए जानना जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे कवर किया जाता है। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आर आल्सो अनाउंस्ड इन रिस्पांस टू स्पेसिफिक पब्लिक रिलेशंस इश्यूज और इश्यूज रिलेटेड टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। यानी जब कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन जब प्रेस के माध्यम से लोगों को कुछ बताना चाहता है, कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है मीडिया के माध्यम से, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। यानी पत्रकारों को इनवाइट करता है, जर्नलिस्ट को इनवाइट करता है, अपनी बात रखता है ताकि वो उसकी बात को लोगों तक पहुंचा सके। व्यक्ति विशेष की बात करें तो बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं, या कई बार इवन ऐसा भी होता है किसी सामान्य जन के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है। यानी विक्टिम भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बिल्कुल साधारण आदमी भी होते हैं, प्रेस को बुला के वो अपनी बात रखते हैं कि मेरी बात आज कहीं नहीं सुनी जा रही और मैं आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहा। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं वो प्रेस के सामने अपनी बात रखते हैं। दूसरी तरफ जो पत्रकार होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो उनकी बात सुनने के बाद अगर उनके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो उन पर अपने सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले से करते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कही गई बातें होती हैं उन पर आधारित एक न्यूज रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका प्रकाशन या प्रसारण अगले दिन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों में होता है। अब बात आती है जिसका हमने विषय शुरू किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग जब आप करते हैं या अटेंड उसको करते हैं तो किस तरह का ध्यान एक जर्नलिस्ट को रखना चाहिए, ये मीडिया के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, जिसको अटेंड करने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके पास एक इन्विटेशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है। क्योंकि अगर एजेंडा आपको पता होगा कि मुद्दा क्या है, किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, तो उसी के हिसाब से आप एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर कर सकते हैं। सवाल आपको क्या पूछने हैं, एक प्रश्नावली आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से। देन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं तो पहले जो पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं उनको सुनिए, पूरी तरह सुनिए, उनके विषय को समझिए, उसके बाद ही आप अपने सवाल पूछिए। देन कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार वार्ता, खासकर जो पॉलिटिशियन है या सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो बार बार पत्रकार वार्ता में पीछे की बातों को कई बार दोहराते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि बार बार रिपीट जो है चीजों को नहीं करना है। जो हो सकता है आपको सुनना पड़े उन चीजों को, रिपीटेशन को सुनना कई बार पड़ता है, लेकिन आप उन्हीं चीजों को पब्लिश कीजिए, उन्हीं चीजों को दिखाइए जो कुछ नई चीज है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया क्या कहा गया आपकी नजर उस पर होनी चाहिए, न कि जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, बातें सबको पता है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग बिंदुओं पर बात की जाती है तो आप जब न्यूज राइटिंग करेंगे या आप जब नोट डाउन कर रहे हैं एज ए रिपोर्टर तो पॉइंट वाइज कौन कौन सी खास बातें कही गई किसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले उनके द्वारा, जो पॉइंट वाइज जो बातें कही गई हैं, बिंदुवार सिलसिलेवार जो अपनी बातें रखी गई हैं, तो न्यूज राइटिंग जब आप करेंगे तो भी एक एक करके आप उन सारी बातों को रखेंगे तो पाठक के लिए उनको समझना आसान होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है। देन नो रिपीटेशन ऑफ ओल्ड अनाउंसमेंट्स, जैसे कि हमने पहले कहा, आप उनको सुनिए जरूर, जो एक तरह से डिटेल में एक्सप्लेन उनको किया जा रहा है, कोई स्कीम से जुड़ी बातें हैं, आप उनको सुनिए, लेकिन अपनी खबर में जो है उसको आप रिपीट मत कीजिए जो ऑलरेडी आप पब्लिश कर चुके हैं। देन फोटोग्राफ्स, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो फोटोग्राफ्स पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि आप एज ए रिपोर्टर जाते हैं तो आजकल कई समाचार पत्रों में तो ये है कि आप फोटो जर्नलिस्ट की भूमिका भी खुद निभाते हैं, और अगर फोटो जर्नलिस्ट भी आपके पास है तो आप मिलकर ये स्टोरी तैयार करते हैं, मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं, तो जो पत्रकार वार्ता करने वाले हैं उनका फोटोग्राफ आपको लेना है। और कई केस में ऐसा होता है कि अगर फोटो के लिए स्पेस नहीं है तो कई बार उनका पासपोर्ट साइज छोटा फोटो भी लगाया जाता है, या बहुत जो कम महत्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर बिना फोटो के भी पत्रकार वार्ता की जो समाचार है वो प्रकाशित होते हैं। हालांकि अच्छा यही रहता है कि पत्रकार वार्ता अगर है तो उसका छायाचित्र भी प्रकाशित कीजिए, लेकिन जो पत्रकार वार्ता जिन्होंने बुलाई है उसका फोटो जो है वो जरूर उसमें आना चाहिए। देन मेंशन द प्लेस, पर्सन एंड डेजिग्नेशन। जब पत्रकार वार्ता बुलाई जाती है तो आप ये ध्यान जरूर रखें खबर लिखते वक्त
कि जो पत्रकार वार्ता बुलाने वाले हैं उनका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, और वो पर्सन जो है उनको आप अच्छे से जानते हैं। जैसे कोई मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो कौन सा विभाग उनके पास है, कौन कौन से विभाग उनके पास है। मंत्रियों के पास कई बार एक से ज्यादा विभाग भी होते हैं, और कितने वक्त से उस पद पे वो बने हुए हैं, ये जो बहुत सी सारी जानकारियां होती हैं आपको जुटानी होती हैं। और प्लेस यानी कहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जैसे शहर में हो सकता है जिमखाना क्लब में बुलाई गई हो, या प्रेस क्लब में कोई पत्रकार वार्ता हो सकती है, किसी पार्टी के कार्यालय में कोई पत्रकार वार्ता हो सकती है, तो वो कहाँ पे पत्रकार वार्ता बुलाई गई, उस जगह का नाम, उस पर्सन का नाम जिसने उसको बुलाया है, और उस पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है, उसको आप जरूर ध्यान से लिखें, क्योंकि कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की रिपोर्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन बुलाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आप कवर करने जाते हैं तो एज ए न्यूज रिपोर्टर आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड एक अच्छी न्यूज रिपोर्ट आप तैयार कर पाए। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।